ग्रामीण समाज और माशरे के अंदर इंसान का रुतबा बढ़ाता, और अगर उसके साथ दीन का इल्म प्लस हो जाए तो नूरन अला नूर है, उसका क्या पूछना। ये दीन के इल्म की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी को मजीद रुतबा देता। इसीलिए आप देखिए कुरान मजीद में जितनी दुआएं हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई, अल्लाह ताला जन्नत दे दे, अल्लाह ताला मगफिरत फरमा दे, अल्लाह ताला दुनिया की परेशानियों को दूर फरमा दे, मां बाप की मगफिरत फरमा दे, रहमत कर दे, जो भी है, दुनिया के किसी भी चीज में इजाफे के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ नहीं सिखाई कि अल्लाह माल ज्यादा दे दे, अल्लाह सेहत ज्यादा दे दे, अल्लाह तंदुरुस्ती ज्यादा दे दे, अल्लाह बड़ा घर दे दे, अल्लाह गाड़ी बंगला मोटर कार दे दे। लेकिन एक ही चीज है जिसके सिलसिले में ज्यादती और इजाफे की दुआ करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दिया, और वो है इल्म। वकुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, कहा कि ऐ नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि ये लोग दुआ करें, क्या है मेरे रब मेरे इल्म के अंदर इजाफा फरमा दे। बहुत प्यारी चीज, एक इंसान को कहा गया है गोया कि दुनिया के अंदर किसी चीज की कोई हैसियत नहीं है। आपके पास माल आया आपने खर्च कर दिया वो खत्म हो गया, आपके पास दुनिया की कोई चीज आई आपने खर्च कर दिया वो खत्म हो गया, लेकिन इल्म एक ऐसी चीज है जो खर्च करने के बाद बढ़ता है, आप इसे खर्च नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगा। एक आदमी आलिम है, अगर वो अपने पेशे से इल्म से जुड़ा हुआ ना हो, बिजनेस करने लगे, तो आप सोचिए उस आदमी का हशर क्या होगा, रफ्ता रफ्ता उसका इल्म खत्म हो जाएगा। क्यों? वो अपने इल्म को खर्च नहीं कर रहा, उल्टा है माल के। माल आप खर्च करेंगे तो आपका जेब हल्का हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और इल्म ऐसी चीज है कि अगर आप खर्च करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, इसमें इजाफा होता जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि माल के ज्यादती के लिए दुआ या दुनिया के दीगर मनफातों के लिए दुआ नहीं करना, सिर्फ इल्म में ज्यादती के लिए मुसलमान को दुआ करना कि रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह अगर किसी चीज को बढ़ा तो मेरे इल्म को बढ़ा दे, अपनी मार्फत के ताल्लुक से मेरी जानकारी को मेरी मालूमात को बढ़ा दे, जो मेरे रिश्ते को तुझसे मजबूत बना सके और तुझसे जोड़ सके। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए सहाबे किराम का रिश्ता इल्म से जोड़ा, और इल्म का एक ऐसा रास्ता जो दीन की शक्ल में शरीयत की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा था सहाबे किराम को सिखलाया, और उसके जरिए से उनकी जिंदगी के अंदर एक अजीबो गरीब तब्दीली पैदा हुई। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के जितने आमाल हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोजा रखते हैं, आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, आप लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, गरीबों की यतीमों की बेवाओं की मदद करते हैं, तमाम नेकी के काम, इन तमाम नेकी के काम में यहां तक कि वो तमाम आमाल जिनका ताल्लुक इबादत से है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को उससे भी अफजल करा दिया, उससे भी अफजल करा दिया। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जिसे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती है, अस-सुनन अल-कुबरा लिल-बैहक़ी की रिवायत है जो सही सनद के साथ मरवी है, कहती है कि एक दफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे पास वही की है। क्या वही की है? अन्नहु मन सलका मसलकन फी तलबिल इल्मे सहलतु लहु तरीकन इलल जन्ना, कि अगर कोई आदमी इल्मे दीन को हासिल करने के रास्ते पर अपने आप को लगाता, आप मस्जिद में आ रहे हैं, कोई प्रोग्राम है उससे अपने आप को जोड़ रहे हैं, आप किसी जगह मदरसा है कोई जगह है जहां दीन सिखाया जा रहा है वहां जा रहे हैं, कुरान पढ़ना सीख रहे हैं, दीन के अहकाम को सीख रहे हैं, हदीसों को सीख रहे हैं, नमाज कैसे पढ़ी जाती है उसको सीख रहे हैं,
शरीयत में शादी ब्याह का तरीका क्या है उसको सीख रहे हैं, कुरान की तिलावत कैसे की जाती है उसको सीख रहे हैं, रोजा कैसे रखा जाता है उसको सीख रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा सहलतु लहु तरीकल जन्ना, मैं ऐसे आदमी के लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता हूं। इल्म का रास्ता, इल्मे दीन का रास्ता, और इसी तरीके से इस्लाम के बुनियादी बातों को, अल्लाह की मारिफत को, कुरान को सीख रहे, हदीस को सीख रहे, दीन के सिलसिले में जानकारी हासिल करने का जो रास्ता है ये जन्नत का रास्ता, ये जन्नत का रास्ता है। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर दुनिया के अंदर मैं किसी आदमी की दोनों आंखें और उसकी रोशनी को छीन लेता हूं तो उसका बदला मैं कयामत के दिन जन्नत की शक्ल में उसे अदा करूंगा। एक रोशनी आंख की है, बड़ी प्यारी हदीस। आज हमारे समाज और माशरे के अंदर हम और आप, अगर कोई आदमी बीनाई से महरूम है, अल्लाह ने उसकी बीनाई, उसकी बसारत छीन ली है, आंखों में रोशनी नहीं है, माजूर आदमी है, रास्ता नहीं चल पा रहा है, किसी का सहारा है, दुनिया की लज्जत को महसूस नहीं कर पा रहा है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा है, बड़ा मजबूर आदमी है, बसा औकात हम और आप उसका मजाक भी उड़ाते, वो समाज में इस्तेहजा का, लोगों के हंसी मजाक का जरिया बन जाता है। लेकिन ये हदीस कहती है कि अगर उस आदमी ने अपनी जिंदगी में इस नेमत की महरूमी पर सब्र कर लिया और अल्लाह की बनाई हुई किस्मत से और अल्लाह के फैसले से राजी हो गया तो अल्लाह का वादा है कि इन दोनों आंखों में रोशनी छीनने के अवज में अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन उसे जन्नत अता करेगा। यह हदीस मुबारक बताती है, हजरत आयशा कहती है अल्लाह के नबी ने कहा कि वो मन सलब तो करीमत है कि जिसके दोनों आंखों की मैंने रोशनी छीन लिया, असब्त हुआ अलैहि मल जन्ना, तो इन दोनों आंखों के एवज में कयामत के दिन मैं उसे जन्नत का बदला अदा करूंगा। कितनी बड़ी नेमत, कितनी बड़ी नेमत अल्लाह की तरफ से कि अगर दुनिया के अंदर अल्लाह ने महरूमी एक चीज में अदा की है तो एक बहुत बड़े इनाम का अल्लाह ने उसके एवज में वादा किया। और उसके बाद तीसरी बात का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा किया जिसका हमारे मौजू से ताल्लुक है कि वह फ़ज़लुन फ़ी इल्मिन खैरुन मिन फ़ज़लिन फ़ी इबादा, कि इल्म हासिल करना और इल्म के रास्ते में मजीद की तलाश में रहना ये इबादत से बेहतर है। सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे कि इल्म का हासिल करना यह इबादत करने से बेहतर है। मुहद्दिसीन ने जिक्र किया यहां इबादत से मुराद नफली इबादत, फराइज का अदा करना हमारे और आपके लिए जरूरी, हर आदमी ने फर्ज पढ़ लिया, अब एक आदमी फर्ज नमाज के बाद नफिल पढ़ना चाहता है, मजीद कुरान की तिलावत करना चाहता है या जिक्र अज़कार करना चाहता है, और दूसरा आदमी बच्चों को पढ़ाने में लगा हुआ है, तालीम सिखलाने में लगा हुआ है, लोगों तक दीन को पहुंचाने में लगा हुआ है, दीन की दावत से जुड़ा हुआ है और वो अपने मिशन में लगा हुआ है, तो एक आदमी जो इबादत कर रहा है और एक आदमी जो अल्लाह के दीन को सिखला रहा है, इसका ये अमल उसके मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। कैसे बेहतर है? वो इंसान जो इबादत कर रहा है उसका फायदा उसकी जात तक मुनहसिर है, वो जो करेगा उसका सवाब सिर्फ उसे पहुंचेगा, और ये सिखलाने वाला जो कर रहा है इसका फायदा आम है, ये कौम को फायदा पहुंच रहा है, महल्ले के बच्चों को फायदा पहुंच रहा है, पढ़ने वाले स्टूडेंट को फायदा पहुंच रहा है, यहां जो हाजिर है उन लोगों को फायदा पहुंच रहा है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मनफात जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो अमल अपने सवाब के एतबार से बड़ा होता जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इल्म का हासिल करना, आज हमारे समाज और माशरे के अंदर एक बात पैदा होगी, एक बात क्या पैदा होगी, दीन के ताल्लुक से अगर आदमी के पास इल्म नहीं है और वो बड़ा हो गया, उसकी उम्र ज्यादा होगी, 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, तो वो शर्म महसूस करता। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, शर्म की बात नहीं, आप जब भी इल्म हासिल करेंगे, इल्म के लिए
को सीखने के लिए, अल्लाह की मार्फत तक पहुंचने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। आप देखिए सहाबे किराम 40 साल की उम्र में कोई मुसलमान हो रहा, कोई 50 साल के एज में इस्लाम को कबूल कर रहा, कोई 60 साल के एज में इस्लाम को कबूल कर रहा, बुतों की इबादत कर रहे हैं, है ना। खाने काबा के अंदर 307 बुतों के ऊपर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, गुमराही और जलालत के अंदर मुब्तला है, लेकिन जैसे ही इस्लाम कबूल करते हैं तो उनकी उम्रें, उनके एज इस्लाम को सीखने में रुकावट नहीं बनते। वो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मस्जिद नबवी के अंदर हाजिर होते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के बाद होने वाली दीन की बातों को सीखते हैं, आपसे पूछते हैं। कोई परेशानी होती है तो भागते भी अल्लाह के नबी के दरबार में आते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मसला है, मैं क्या करूं, कैसे जिंदगी गुजारूं, इस मसले का हल क्या होगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला जैसा जलीलुल कद्र सहाबी मुसलमान हो गए, तिजारत पेशा थे, टाइम नहीं था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में रोजाना हाजिरी दे सके। उम्र बड़ी है, बच्चे हैं, खानदान है, बीवियां हैं, दुनिया की जरूरियात है, तिजारत कर रहे हैं, लेकिन देखिए कैसे इल्म हासिल करते हैं। एक अंसारी सहाबी जो आपका पार्टनर है वो भी बड़ी उम्र का, अपने अंसारी सहाबी से कहते हैं कि हम लोगों की कितनी बड़ी महरूमी है कि अबू हुरैरा और दीगर सहाबे किराम जो सुफा के चबूतरे पर बैठे हुए हैं और रात दिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की मजलिसों में शरीक होते हैं, उनके सीने इल्म की नूर से भरे जा रहे हैं और हम दुनिया के अंदर तिजारत करने के लिए, खजूरों को बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए मार्केट मार्केट फिर रहे हैं। देखो ऐसा करो कि ज्यादा टाइम तो हम नहीं दे सकते हैं, एक दिन तुम बारी लगा लो, एक दिन मैं बारी लगा लेता हूं, तुम तिजारत पर जाओगे तो मैं अल्लाह के नबी की मजलिस में हाजिर रहूंगा, जब शाम को लौट करके बिजनेस करके आओगे तो जो कुछ मैंने सीखा है धंधे में नफा लेने के साथ अल्लाह के नबी की बातों को तुम्हें दे दूंगा, और फिर दूसरे दिन मैं जाऊंगा तुम अल्लाह के नबी की मजलिस में रहोगे, मैं तिजारत करूंगा, शाम को आऊंगा तो जो मुनाफा मिलेगा वो तुम्हें दे दूंगा और अल्लाह के नबी की मजलिस में तुमने जो इल्म सीखा है वो तुम मुझे दे देना। इस तरीके से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने उस पार्टनर अंसारी सहाबी के साथ बारी लगा ली, इल्म को सीखने के लिए, अल्लाह के नबी की बातों को सीखने के लिए, कुरान को पढ़ने के लिए, हदीस को पढ़ने के लिए, दीन के मसाइल को सीखने के लिए। यह भी एक तरीका है, अगर आपकी जिंदगी मसरूफ है, आप बिजनेसमैन है, आप डॉक्टर है, आप इंजीनियर है, आपके पास वक्त नहीं है, तो आप अपने जिंदगी और अपने शबो रोज के टाइम को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि आपके दुनिया का कारोबार भी चले और आपकी आखिरत के ताल्लुक से जो इल्म है उससे आप महरूम है उसे भी आप दुनिया की जिंदगी के अंदर सीख ले। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला एक दफा बाद सहाबे किराम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला पर एतराज किया। क्या एतराज किया? कहा कि अबू हुरैरा बहुत ज्यादा हदीसें बयान करते हैं, अल्लाह के नबी की हदीसों को हमेशा हमें सुनाते रहते हैं। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला एक दिन गुस्सा हो गए, सहाबे किराम से कहने लगे कि अगर मैं नहीं सुनाऊंगा अल्लाह के नबी की हदीसों को तो क्या खेत में खजूर के बाग में काम करने वाला सुनाएगा? कहा मैं अपने पेट पर पत्थर बांध करके और भूखों प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करके मस्जिद नबी के पत्थर पर चबूतरे पर अल्लाह के नबी की मजलिस में हाजिर होने के लिए सुबह शाम लाइन में रहता हूं और दूसरे सहाबे किराम जो है तिजारत करने के लिए मदीना के अंदर अपने खेत में खजूर के बागात में मार्केट के अंदर जाते रहते हैं, तो अबू हुरैरा ज्यादा हदीस नहीं बयान करेगा तो कौन ज्यादा हदीस बयान करेगा? सहाबे किराम को बड़ी खुशी हुई, कहा अबू हुरैरा तुम्हें हक है अल्लाह के नबी की हदीसों को सुनने का और उसे बयान करने का। एक लगाव था, एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है लेकिन अल्लाह के नबी की मजलिस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और इतनी खुददारी है। एक दिन दो दिन जब खाना नसीब नहीं होता था, आदमी की जिंदगी ऐसी है कि आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन भूख प्यास ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के बाहर निकल गए, बहुत सख्त भूख लगी हुई है, बाहर निकल गए, देख रहे हैं कि अगर किसी सहाबी की निगाह पड़ जाए और वो मेरे चेहरे की झुर्रियों से इस बात को महसूस कर ले कि अबू हुरैरा बहुत भूखा है, बहुत प्यासा है, बहुत तकलीफ में मुब्तला है और मेरा हाथ पकड़ के अपने घर ले जाए और मुझे कुछ खजूरें खिला दे
रोटी खिला दे तो मेरी जिंदगी की गाड़ी सवर जाए, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हमेशा ऐसे ही लगा रहा। इत्तेफाक से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु निकले, उन्हें महसूस हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनद के पास बैठने वाला और सुफा के चबूतरे पर इल्मे दीन के लिए हमेशा अपने आप को लगाने वाला शायद आज भूखा है। हजरत अबू हुरैरा के हाथों को पकड़ा, अपने घर ले गए और ले जाकर के खाना खिलाया। कहा अबू हुरैरा, भूख और प्यास की शिद्दत को महसूस करता है लेकिन अल्लाह के नबी की मजलिस को छोड़ना गवारा नहीं करता, क्योंकि वो इल्म की मजलिस है, वो दीन की मजलिस है, वो कुरान के सीखने की मजलिस है, वो अल्लाह के नबी की हदीसों की मजलिस है, वो जन्नत तक जाने की मजलिस है, अल्लाह तक पहुंचने की मजलिस है। क्या उसे छोड़ना गवारा नहीं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि मैंने बताया कि इल्म को जन्नत का रास्ता करार दिया। एक बहुत प्यारी हदीस आपको सुनाता हूं, सुनन तिर्मिजी की रवायत है। हजरत कैस इब्ने कसीर एक पूरा वाकया बयान करते हैं और उस वाकये के पस मंजर में हदीस बयान करते हैं, और बड़ी प्यारी हदीस है। दुनिया के तमाम नेकियों की फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म के तराजू में डाल दिया है, इल्मे दीन के तराजू में डाल दिया है। उन लोगों के जो इल्मे दीन को हासिल करने के लिए दुनिया के अंदर अपने आप को लगाए रहते। कैस इब्ने कसीर कहते हैं कि एक आदमी मदीना से चल करके हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला की खिदमत में दमिश्क में आए। हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला मशहूर सहाबी, पहले मदीना में रहते थे, जब इस्लामी सल्तनत का दायरा वसी हुआ तो हिजरत करके दमिश्क मुल्क शाम आ गए। यहां लोगों को अल्लाह के नबी की हदीसें सुनाने लगे। आप देखिए कितना जज्बा लोगों के अंदर था दीन को सीखने का। मदीना के अंदर जो सहाबी है उन्हें यह मालूम हुआ कि एक हदीस जो इल्म की फजीलत के बारे में है, उस हदीस को डायरेक्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनने वाले सहाबे किराम में सिर्फ अबू दर्दा मौजूद है और वो मदीना से बहुत दूर दमिश्क के अंदर रहते। उन्हें उस हदीस को सीखने की तमन्ना हुई, तड़प पैदा हुई, तो कहा कि हदीस तो सुनाने वाले बहुत है लेकिन अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला ने इस हदीस को डायरेक्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुना है, इसलिए मैं अबू दर्दा की खिदमत में सफर करके उनके दर पर हाजिर होकर के इस हदीस को सुनना चाहता हूं। सफर करके हमारे ख्याल से मदीना से दमिश्क, आप ये समझिए उस जमाने में कम से कम ऊंट के सफर से एक महीने की मसाफत की दूरी पर था, यानी अगर आदमी ऊंट से जाए तो एक महीने से ज्यादा वक्त लग जाए सफर में। रात और दिन की मशक्कत है, पहाड़ों का सफर है, सेराई रास्ता है, लेकिन तड़प है इल्म को सीखने की, अल्लाह के नबी की हदीसों को पढ़ने की, दीन को जानने की। ये सहाबी मदीना से चलते चलते दमिश्क में हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला की मजलिस में पहुंच गए। गए तो कहा कि अबू दर्दा आप यहां मौजूद है, मुझे खबर लगी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके पास मौजूद है, मैं वही हदीस सुनने के लिए आया हूं, सीखने के लिए आया। हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला को बहुत ताज्जुब हुआ, यहां तक कि हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला ने उस सहाबी से पूछा जो सफर करके गए थे कि अमा जीता ले हाजतिन, कि भाई किसी और जरूरत से तो नहीं आए हो, कि किसी काम से आए हो और खबर लगी हो कि अबू दर्दा यहां है तो चलो कुछ थोड़ा हदीस भी सीख लेंगे। कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं है, खालिस इसी हदीस को सीखने के लिए मैं नियत करके मदीना से सफर करके चला। तो फिर अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला ने पूछा कि अमा जीता ले तिजारा, क्या क्या भाई कोई बिजनेस धंधा करने के लिए दमिश्क नहीं आए, कुछ माल वाल लेके आए हो मदीना से यहां लेके जाना हो? तो कहा चलो माल का भी काम हो जाएगा, बिजनेस का भी काम हो जाएगा, सौदा भी खरीद लेंगे, बेच भी लेंगे, और वहां अबू दर्दा मौजूद है, उनसे जाकर के शाम को कुछ ट्यूशन भी ले लेंगे, कुछ हदीस भी पढ़ लेंगे। कहा नहीं, कहा ना तिजारत मकसद है, ना दुनिया की और कोई गरज है, कोई और जरूरत है, मैं सिर्फ खालिस नीयत से अल्लाह के नबी की इस हदीस को सीखने के लिए, सुनने के लिए आया हूं। हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला ने उस हदीस को सुनाया। कहते हैं फइन्नी समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने कानों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। अल्लाह के नबी ने फरमाया आप
बोल रहे थे, आपकी जुबान गोया थी, आप बयान कर रहे थे और अबू दर्दा के कानों में अल्लाह के नबी की आवाज आ रही थी। क्या आ रही थी? का मन सलक तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सलक अल्लाहु लहू बिही तरीकन इलल जन्ना। जिस नियत से वो आए थे अबू दर्दा ने वही हदीस सुना दी। कहा मैं इसी नियत से आया हूं कि अगर सही है तो मेरा बेड़ा पार है। कहा कि जो आदमी इल्म को तलाश करने के लिए किसी रास्ते पर चल करके जाता है, मुश्किल उठाता है, सुबह शाम पढ़ने के लिए जाता है, ड्यूटी करता है, अपना वक्त लगाता है, कीमती टाइम लगाता है, किसी उस्ताद के पास हाजिरी देता है, किसी मदरिस मौलवी के पास बैठता है और सब्र की जिंदगी गुजारता है ताकि दीन सीख ले, सलक अल्लाहु लहु बिही तरीकन इलल जन्ना, तो ये आदमी अपने घर से निकलकर जितना चलते हुए जाता है वो जन्नत का रास्ता होता है, वो जन्नत का रास्ता होता है जितना चलते हुए जाता है अपने मुअल्लिम के पास दीन को सीखने के लिए, अल्लाह की मारिफत को हासिल करने के लिए। इतनी बड़ी फजीलत, इतनी बड़ी अहमियत इल्मे दीन की हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस हदीस मुबारक के जरिए से जिक्र किया। और इतना ही नहीं जिक्र किया, क्या देखो अगर इस रास्ते में लग गए, बहुत प्यारा रास्ता, बहुत प्यारा रास्ता। आप ये ना समझे आज हमारे यहां क्या बन गया ना, ये मौलवी उसकी एक कटगरी, ये हाफिज दीन है ना, ये आलिम साहब है। नहीं मेरे भाई मेरे दोस्त, हमने बांट दिया है, ये बंटवारा हमने कर दिया। इल्मे दीन के अंदर कोई बंटवारा नहीं है। ये हाजी साहब सीख रहे हैं, ये नमाजी सीख रहे हैं, ये बिजनेस करने वाले सीख रहे हैं, सबके लिए वही फजीलत है अगर आप उस रास्ते पर चले जा रहे हैं, अपने आप को उस रास्ते पर लगाए हुए। ताकि वही नल मलाई का था इस रास्ते में अगर कोई आदमी अपने आप को लगाता है तो अल्लाह ताला की इतनी रजामंदी उसे हासिल होती है, अल्लाह की इतनी खुशी उसे हासिल होती है, इतनी बशारतें हासिल होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों को जमीन पर उतारता है कि इल्मे दीन के रास्ते में चलने वाले इस तालिबे इल्म का पैर जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए, फरिश्तों के पैरों पर पड़ना चाहिए। आप चाहे जैसे किसी जगह और कोई आपका इस्तकबाल करे, वेलकम करे और आपकी आमद से पहले आपके रास्ते में कालीने बिछा दे, आपके रास्ते में कीमती चीजें डाल दे, आप वहां पहुंचे तो देखें कि मेरे इस्तकबाल के लिए इन्होंने कितना बड़ा इंतजाम कर रखा है, कितना बड़ा मैनेज कर रखा है, फूल लगा रखे हैं, हार लगा रखे हैं, गुलदस्ते सजा रखे हैं, कालीने डाल रखी है। आप वहां पहुंच करके जमीन को छोड़ करके उन कालीनों के ऊपर चल करके जाते हैं और मुलाकात करते हैं। तो तालिबे इल्म की इससे कितनी बड़ी अहमियत है। वहां कालीन नहीं है, वहां गुलदस्ते फूल हार नहीं है, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते इस रूए जमीन पर भेजे जाते हैं और वो अपने पैरों को रूए जमीन पर बिछा देते हैं। ये कुरान पढ़ने वाला, ये दीन सीखने वाला, ये हदीस का इल्म हासिल करने वाला, ये नमाज की तालीम लेने वाला, ये अरकान इस्लाम को सीखने वाला, ये कुरान को अपनी जुबान से सीख करके अदायगी करने वाला फरिश्तों के उन्हीं पैरों पर चलता, अल्लाह इतना खुश होता। इतना बड़ा इनाम किसी को दुनिया के अंदर मिलता है? सारी नेकियों का वादा तो अल्लाह ने आखिरत में देने का किया और इल्म की नेकी का, इल्म की बरकत इतनी बड़ी है कि अल्लाह ने उसका इनाम इसी दुनिया में दिया। आपके घर का अगर एक मासूम बच्चा 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए जाता है तो आप ये यकीन करें कि वो जमीन पर नहीं चल रहा है, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसे अपने पैरों पर चला करके मस्जिद तक पहुंचा रहे, अपने पैरों को उसके लिए बिछाए लिए। वो नन्ना